तो भाई देख सकते हो टीवीएस रेडर स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं फंस चुका हूँ ऐसी जगह आके। अभी देख लो क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप देख के बताओ मुझे। अगर किसी को, मुझे लग रहा है फ्यूज़ का इशू है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला मॉडल मैं आज लोग के लिए इसकी वीडियो शूट करने आया था, पता नहीं मैं डालूंगा कि नहीं, लेकिन अब मैं फंस चुका हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ क्यों मैं फंस चुका हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो भाइयों, और बताओ थोड़ा कमेंट सेक्शन में क्या करूँ। टीवीएस वालों को मुझे कोई सपोर्ट मिला नहीं। ये देख लो ये पावर मोड ब्लिंक कर रहा, गियर कोई दिखा नहीं रही है। ये देख लो इको मोड पर लगी है, सामने दिखाऊँ, ये देखो, ये देखो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अभी अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई गियर है, ये देखना स्टैंड हटा दिया, स्टैंड की लगा है, स्टैंड की कोई वार्निंग नहीं आ रही, ठीक है। आपके सामने हटा रहा हूँ, ये देखो भाई, ये देखो आप देख सकते हो कुछ नहीं हो रहा। ये देखो फर्स्ट गियर, ये न्यूट्रल, ये देखो ऐसे देख लो अगर दिख पा रहा हो आपको, ये देखो भाई, ठीक है कुछ नहीं हो रहा और ना ही ये स्टार्ट हो रही बिल्कुल। अभी मैं आपको अगर थोड़ा बहुत भी दिखाऊँ ना धक्का मार के भी, ये देखो भाई बराबर मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ कि भाई लग जाए, क्योंकि मैं ऐसी जगह फंस चुका हूँ, देख लो आर पार कोई नहीं है, ठीक है पीछे भी देख लो। अब मैं सिर्फ शूट के लिए आया था, अब मैं भाई इसको धक्का मारूँगा ना भाई, बस मैं ही जानना हूँ। टीवीएस वालों को मैं आपको बता दूँ रोड साइड असिस्टेंट्स की प्राइस, क्योंकि ये लोग जब गाड़ी आप खरीदते हो तो बताएंगे नहीं क्या प्राइस का है क्या है कुछ, और जब आपकी गाड़ी कुछ ऐसे एक साल बाद ऐसे फंसेगी, अभी इसको एक साल हुआ है भाई, ठीक है। आप देख लो मेरी गाड़ी की कंडीशन, इतनी मेंटेन गाड़ी है, अभी इसकी शायद दो ही सर्विस हुई है अभी, ठीक है, और ये कंडीशन है। अब मुझे पता चल रहा है क्यों लोग कहते थे इसकी में इतनी सारी दिक्कतें हैं काफ़ी, ठीक है। मेरी आप आवाज़ से आप समझ सकते हो मैं शेक, मेरी आवाज़ थोड़ी शेकिंग आ रही होगी, क्योंकि भाई मैं दो तीन घंटे से, मैं पता है 2 बजे आया था, मैं 3 बजे एक वीडियो शूट की, प्लस अभी 5 बजा है। अभी टीवीएस रोड साइड असिस्टेंट्स को मैंने कॉल की, मैं आपको दिखा दूंगा अगर हो पाएगा, और मैंने इनकी वो रिकॉर्ड भी करी है वॉइस कॉल मतलब। और दूसरी बात, ये लोग भाई मुझसे मांग रहे हैं कुछ 2500 रुपये से ऊपर का प्राइस, आपने सही सुना, 2500 रुपये से भी ऊपर का ये लोग मांग रहे हैं मुझसे प्राइस आदर्श टीवीएस ले जाने का। और मैं अभी इधर ये खड़ा हूँ कल्याणी की तरफ उन्नाव में, मैंने आज आपको इसलिए लोकेशन बता दी, मैं भाई खुद भी परेशान हूँ, ठीक है, कुछ नहीं काम कर रहा, सेल्फ देख लो, ठीक है। अब बहुत लोग मुझे पता है कहेंगे गियर पे गाड़ी, लो आपके सामने न्यूट्रल कर रहा हूँ, उसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट लगा, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ये देख लो भाई क्लच बिना डाले गाड़ी चल पा रही है, यानी कि न्यूट्रल है, ठीक है। और अब ये कंडीशंस की आ गई है, मुझे भाई कुछ नहीं समझ में, मैं इसको बिना एडिटिंग के अपलोड करूँगा, प्लीज़ थोड़ा टीवीएस को टैग करो आप लोग भाई। टीवीएस मैं बता रहा हूँ ना, मैं एकदम इस वक्त मेरी कंडीशन मैं ही जानता हूँ, ये देखो भाई कुछ नहीं हो रहा, न्यूट्रल करा आपके सामने अभी मैंने, ठीक है, क्लच भी अगर मैं डाल लूँगा ना, ये देख लो, भरोसे वाली बात है भाई, थोड़ा भरोसा आज कर लेना, आज ज़रूरत है भरोसे की, ये देखो भाई सेल्फ डाब दिया, ठीक है, फ़ोन इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, सेल्फ डाब दिया। मैं ऐसी लोकेशन इसलिए आया था जस्ट कि मुझे एक वीडियो शूट करनी थी मैरी क्रिसमस के लिए आपकी, एक तो इसमें किक नहीं है, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा क्यों किक की ज़रूरत पड़ती है लोगों का, मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, थोड़ा भाई बताओ, ये देखो भाई साउंड सुन सकते हो अकॉर्डिंग टू मी, इसका फ्यूल पम्प भी नहीं काम कर रहा है। और मैंने एक दो वीडियोस देखी थी यूट्यूब में, सिर्फ इसकी वीडियो शूट करने आया था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने कहा चलो आज से वीडियो डालना कंटिन्यू करते हैं, अपने भाइयों का अच्छी अच्छी वीडियो देते हैं, इसी बाइक की नहीं सबकी, और अलग अलग अदर गाड़ियों की भी। लेकिन अब मैं ऐसी जगह फंस चुका हूँ, और मेरे घर से 3 बार कॉल आ चुका है, मैं बता नहीं सकता मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त, बिकॉज फिर सब परेशान हो जाएंगे, वही वाली बात आ जाएगी। और आप देख सकते हो अब मैं भाई इनको 3000 रुपये तो नहीं दे सकता, क्योंकि शायद 2500-2600 रुपये कुछ ही लोग मांग रहे हैं, ठीक है, वो भी कंफर्म नहीं है, ये इन्होंने एक एस्टिमेटेड प्राइस बताया है जहाँ तक, ठीक है। और मैं भाई 2500 का मैं इनको 100 रुपये नहीं दूंगा, एक साल से ऊपर ग्रस्त गाड़ी को 1 महीना मुश्किल से हुआ होगा, और ये कंडीशन है गाड़ी की, ठीक है। मैं कट नहीं करूँगा इस वीडियो को, आप लाइव देखो पूरी क्या सीन चल रहा है, ठीक है, DRL जल रही है, ठीक है, और ये रही इसकी बैकलाइट, ये जल रही है, ठीक है, और ये भी देख लो इंडिकेटर जल रहा है, बस हॉर्न जल रहा है और कुछ नहीं हो रहा इसमें, ठीक है। और ये देख लो साइड स्टैंड है, लेकिन कोई वार्निंग नहीं आ रही साइड स्टैंड की, जब अलग अलग से ही कुछ उसमें हो रखा है, ठीक है भाई, प्लीज़ थोड़ा बताओ। अब लोकल्स की भी मैं क्या ही मदद लूँ इस केस में, क्योंकि BSS गाड़ी है, एक मैकेनिक से मैंने बात की तो वो कह रहा भाई मैं BSS गाड़ी बिल्कुल नहीं छूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज़ थोड़ा कमेंट सेक्शन बताओ। मैंने एक दो वीडियो देखी उसमें उन्होंने फ्यूज़ यूज़ चेंज किया उसका, भाई ऐसे एक फ्यूज़ चेंज होता है क्या ये इस टाइप की गाड़ियों का, आप मुझे बताओ। टीवीएस को प्लीज़ टैग करो, ठीक है, मैं तो करूँगा ये जो करूँगा इनके लिए,
मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रही है, मैं ऐसी जगह फंसा हूँ। अभी आप सोचो अगर मैं कहीं और अलग ही जगह चला जाता लाइक लखनऊ कानपुर उन्नाव से, जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा, तो मेरा बीच हाईवे में क्या हाल होता। अभी आप ये पुल चल रहा है आप देख सकते हो, मैं इसके नीचे जस्ट एक मेरी क्रिसमस की वीडियो बनाने आया था। मैं ज़्यादा इसको रेप नहीं कर सकता, रेप क्या मतलब बार बार सेल्फ नहीं लूँगा क्योंकि बैटरी फिर जीरो ही हो जाएगी। अभी तो फिर भी बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज है, और चार्ज का मतलब गाड़ी चल के आई है यहाँ तक। आप खुद ही देख सकते हो मेरी क्या कंडीशन है इस वक्त, भाई देख लो खुद ही देख लो क्या इसकी हो रही है।